नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में जो हमारे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, ये हमारे लेसवा यानी कि लसोड़ा का पेड़ है पौधा, और यह हमारा देसी पौधा है और यह अभी 5 से 5.5 साल के लगभग का हो गया है, जो मैंने खुद ही इसे यहाँ पर लगाया है। और आप देख सकते हैं कि देसी पौधे पर जैसे जामुन का हो, लसोड़े का हो, किसी भी तरह का देसी पौधा जिस पर 7 से 8 साल के पहले जल्दी से आसानी से फूल और फल नहीं आते हैं, लेकिन यह हमारे 5 से 5.5 साल का पौधा है और जिस पर बहुत ही अच्छी मात्रा में अभी फूल भी आए हैं और फल भी अभी बहुत ही अच्छी मात्रा में इस पर बन रहे हैं। और इसकी साइज आप देख सकते हैं, जैसे ये नींबू के आकार के अभी हैं तो, और इसमें भी दो क्वालिटी आती है, एक की साइज बहुत ही कम होती है तो उसका रेट भी बहुत ही अच्छा हमें नहीं मिलता है, और इसकी साइज अभी जैसे फूल से निकला ही है तो अभी भी छोटे नींबू के आकार में है, और ये जैसे ही पक के बड़ा होने लगेगा तो ये बड़े नींबू के आकार का हो जाएगा। तो इसका रेट भी हमारे यहाँ पर मार्केट में 40 से 50 रुपये किलो के लगभग रहता है, जो अगर बेचने के हिसाब से इस पौधे को लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा ये पौधा रहता है, और इसकी बाज़ार में डिमांड भी बहुत अधिक होती है, और इसकी खेती किसान बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, जिसके कारण इसकी मांग बाज़ार में बहुत अधिक मात्रा में होती है, और इसका भाव भी बाज़ार में हमारे यहाँ पर 40 से 50 रुपये किलो का भाव हमें आसानी से मिल जाता है। और अभी इस पौधे पर फ्लोरिंग का और फ्लोक की बात करें तो इस पौधे पर इस बार बहुत ही ज़बरदस्त फ्लोरिंग आई है, और इस पौधे का विकास भी इस बार बहुत ही अच्छा हुआ है। ये देखने पर पौधा ऐसा लगता है जैसे ये 8 से 10 साल का पौधा है, लेकिन ये अभी 5 से 5.5 साल के लगभग का पौधा है, क्योंकि मैंने इसे खुद स्वयं लगाया था तो मुझे इसका टाइमिंग भी पता है और इसके लगाने का समय भी मुझे पता है, और पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कब लगाया था और कैसे लगाया था, उसकी जानकारी भी हमने पिछले वीडियो में भी दी है पिछले साल के में, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब बात पौधे पर किस तरह से फ्लोरिंग आई है, कितना उत्पादन हमें इस वर्ष इस पौधे में मिल जाएगा। तो पिछले वर्ष भी इस पौधे में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग आई थी, लेकिन अधिक गर्मी के कारण वो फूल झड़ गए थे, और इस वर्ष इस पौधे पर इतनी ज़बरदस्त फ्लोरिंग आई थी कि, और अगर वो पौधे पर रुकता तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन हमें मिलता। इस बार इस पौधे पर आई हुई फ्लोरिंग में से हमें 5 से 10% फ्लोरिंग इस पौधे पर रुकी है, और माल की इसमें उत्पादन की बात करें तो हमें लगभग 10 से 12 किलो का उत्पादन इस पौधे पर बहुत ही आसानी से इस वर्ष मिल जाएगा, क्योंकि इस पौधे पर चारों तरफ फ्लोरिंग के बहुत अच्छे गुच्छे आए थे, जिनमें से सभी गुच्छों में एक से दो फल रह रहे हैं, और उनकी क्वालिटी भी हमें इस साल बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पौधा है, और ये हमने खुद पौधा बीज से तैयार किया था, उसको लगाया है देसी भी, और उसको लगाया भी हमने है। तो हमने इस देसी पौधे पर क्या क्या किया है और किस तरीके से अच्छी मात्रा में बहुत ही कम समय में फल लिया है, आपको मालूम है कि देसी पौधे पर बहुत ही जल्दी फल नहीं आते, और फल आते तो रुकते नहीं है, और इस बार इस पौधे पर फ्लोरिंग किस तरीके से गिरी है उसका भी कारण हमें पता है। और अगर आपने भी ये पौधा लगा रखा है तो आप इसमें कौन कौन से कार्य करेंगे जिससे आपको अच्छी फ्लोरिंग मिले, कौन कौन से कार्य करेंगे जिससे आपकी फ्लोरिंग पौधे से अलग नहीं हो और खरे नहीं और अच्छा उत्पादन आपको इस पौधे पर मिले, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें आपको सभी तरह की जानकारी मिलेगी। और हमने अभी जैसे और हमने लेसवे के 2 पौधे लगा रखे हैं, ये हमारा 5 से 6 साल के बीच का लगभग का पौधा है, और एक हमारा पिछले साल हमने लगाया था, और उस पौधे को भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितना ज़बरदस्त अच्छी तरह से विकास इस बार ये पौधा भी कर रहा है। तो आप इसमें कौन सी खाद दें, क्या दें जिससे आपका पौधा अच्छा विकास करे और बहुत जल्दी अच्छी मात्रा में फूल और फल दे और अच्छी क्वालिटी का फल उसमें आए। और वो दूसरा पौधा भी हमारा बीज से तैयार किया गया पौधा है, जो 1 साल तक हमने उसमें को पॉलीथीन में रखा है। तो बात करें कम समय में आप अच्छा उत्पादन कैसे लें लेसवे के पौधे पर, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जैसे ही पौधे को आप लगाएं तो उसमें आप लगाते समय उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद का ही उपयोग करें, और किसी भी दूसरी खाद का उपयोग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देसी और जंगली पौधा है, इस पर बहुत ही आसानी से आपको देसी खाद से ही बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा कार्य आप ये करें कि जैसे ही पौधा 1 साल के लगभग का हो जाए तो उसके बाद में कुछ टहनियाँ इसमें ऐसी होती है जो सूखने लगती है, तो आप उसको साल दर साल निकालते रहे, और बरसात के मौसम में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद प्रतिवर्ष साल में 2 बार दे दें, जिससे यह पौधा बहुत ही अच्छा विकास करेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके पौधे पर फ्लोरिंग फरवरी मार्च के महीने में आती है, और उसी समय में इसको खाद की आवश्यकता होती है, तो आप इसमें दिसंबर के महीने में ही गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दें, और आप बरसात के मौसम में भी इसमें खाद का उपयोग करके अच्छा विकास इस पौधे का कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छी टहनियाँ हैं। जो हमारे आस पड़ोस में जो पौधे लगे हुए हैं इसके, जिसका विकास इसके मुकाबले में अभी बहुत ही कम है और वो लगभग 10 साल के लगभग का पौधा है और उस पर अभी इससे भी कम फ्लोरिंग आ रही है। और हमारे पौधे पर अभी 5 से 6 साल के पौधे में ही बहुत ही अच्छा फ्लोरिंग भी आई है। लेसवे के पौधे पर आप दूसरा कार्य यह करें कि ये एक जंगली पौधा है तो इसकी आप कटिंग समय समय पर करते रहे, जिससे ये अनावश्यक रूप से फैलेगा नहीं। और जैसे ही आप कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो इसका पौधे का विकास ऊपर की साइड में अच्छा होगा। और इस पौधे की कटिंग आप इस तरीके से करिए कि पौधा जब तक 8 से 10 फीट का ऊपर तक नहीं चला जाता, जब तक इसमें नीचे कोई भी टहनी नहीं निकलनी चाहिए, जिससे पौधा कमज़ोर हो और पौधे का विकास अच्छा ना हो। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि 8 से 10 फीट की ऊंचाई इस पौधे को लेने के बाद में ही इसमें टहनियों का को छोड़ना चाहिए, जिससे पौधा अच्छी तरह से ऊपर फैलेगा और फ्लोरिंग भी अच्छी आएगी और हमें अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। और तीसरा कार्य आप ये करें कि जब सर्दी का मौसम होता है तो इस पे पत्तियों पर बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है और इसकी पत्तियाँ बहुत ही चिपचिपी होती है, तो इस समय पर आप सर्दियों के मौसम में इसमें आप 1 से 2 बार इस पे स्प्रे कर दें, जिससे इसकी पत्तियाँ चिपचिपी नहीं होगी, पौधा ख़राब नहीं होगा। आपको पता है कि लेसवे का फल ही एक ऐसा फल है जिसमें ये चिपचिपा सा रहता है और इसलिए इसमें इसके पौधे पर कीट और चींटियाँ बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पर हमने स्प्रे कर दिया था अभी 2 महीने पहले, तो अभी इस पर कुछ भी एक भी चींटी या कीट इसकी पत्तियों पर भी नहीं है और ना ही इसकी पत्तियों पे कीट है, ना ही इसकी टहनियों पर कहीं भी चींटी या आपको कीट दिखाई दे रहा है। तो आपको तीसरा कार्य ये करना है कि आप सर्दी के समय में इस पे एक बार स्प्रे जरूर करें। इसके लिए केवल आप हल्का कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और कटिंग का आप देसी पौधे पर बहुत ही विशेष तौर पर ख्याल रखें कि आप इसकी कटिंग प्रतिवर्ष करें, और जैसे आप साल दर साल इसकी कटिंग करेंगे तो इसका पौधे का विकास और तने का विकास बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा विकास पौधा करेगा। और अब आपको लास्ट में जानकारी देने वाले हैं कि जैसे ही आपका पौधा फ्लोरिंग देने लगे, अच्छा विकास कर जाए, तो उसके बाद में इसमें पौधे पर फ्लोरिंग गिरने की समस्या बहुत अधिक मात्रा में आती है, तो उसके लिए आप क्या करें। और इस वजह से हमें भी इसमें नुकसान इस बार हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिस जगह पौधा लगा हुआ है तो वहाँ पर उसके पास में दूसरी फसल लगी हुई थी, तो जिसके कारण हमें सिंचाई करनी बहुत ही आवश्यक होती थी, जिसके कारण इसमें जैसे ही हमने यहाँ पे सिंचाई करी तो उसके कारण यहाँ पे पौधे का फ्लोरिंग गिरने लगी है। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब फरवरी के महीने में इस पे फ्लोरिंग आने लगे तो उस समय से उसके 1 महीने पहले से ही आप इसके पौधे पर सिंचाई करना बंद कर दें और इसके पौधे के 4 से 5 फीट तक आप कोई भी सिंचाई का कार्य ना करें, जिससे इसके पौधे की फ्लोरिंग गिरने की संभावना हो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पौधे के बारे में, इसके पौधे की जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और सभी तरह की जानकारी इसके पौधे के बारे में आपको दी जाएगी। ये एक पूरी तरह देसी पौधा है और इस पर आप बहुत ही अच्छा लाभ इसके पौधे की खेती करके ले सकते हैं।